श्रीगंगानगर के घड़साना ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के 60 रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। राजकीय सामुदायिक अस्पताल में विभिन्न क्षेत्रों में अधिक लोगों के संपर्क में रहने वाले 20 लोगों के सैंपल लिए गए। रैंडम सर्वे के तहत चिन्हित 20 नागरिकों के सीएचसी में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में ये सैंपल लिए गए, जिन्हें विशेष एम्बुलेंस से बीकानेर भेजे जाएंगे। लैब टेक्नीशियन ने ये बताया कि रैंडम कोरोना सैंपल के लिए नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी, शिक्षक, चिकित्सा सेवा में कार्यरत कर्मचारी, सब्जी विक्रेता, रेडी लगाने वाले, शराब ठेका कर्मचारी और सामाजिक सेवा में लगे सेवादार आदि शामिल हैं। श्रीगंगानगर के घड़साना में कोरोना जैसी महामारी को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 20 रैंडम सैंपल लिए गए हैं, जो लोग जिनको संदिग्धता के आधार पर माना गया है। हमारे साथ आज लैब टेक्नीशियन बलराम जी वर्मा मौजूद हैं। सर, आज जो रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं, ये किन लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए हैं और इनकी जांच कहाँ होगी? ये जो प्रवासी मजदूर घड़साना में आए हैं, उन 20 मजदूरों के और जो ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे नाकों पे बैठे हैं कर्मचारी, उनके सैंपल लिए हैं जो बीकानेर माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे जाएंगे। पूर्व में भी कोई सैंपल लिए गए थे? हाँ, 20 सैंपल पूर्व में भी लिए जा चुके हैं। जिनकी रिपोर्ट क्या आई है? जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सतर्क रूप से भूमिका निभा रहे हैं। जो संदिग्ध माने जा रहे हैं, उनके रैंडम सैंपल भी आज लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं बीकानेर भेजी जाएगी, उसके बाद ही इनकी जो रिपोर्ट है वो आएगी। कहीं कहीं देख सकते हैं कि श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं आया है। इसमें कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। वहीं एवन टीवी तमाम लोगों से अपील करता है कि तमाम लोग घर में रहें ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। मैं मेरे कैमरामैन धीरज के साथ विकास परिक, एवन टीवी, घड़साना।